एजुकेशन आज की वीडियो में मैं लाई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का यूनिट थर्ड। हम देख रहे थे इससे पहली वीडियो में मैंने यूनिट थर्ड के दो टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले फिशेज और उसके बाद एम्फीबिया अलग अलग वीडियो में उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में अच्छे से हिंदी में समझा था। और अब हमारा नेक्स्ट जो हमें पढ़ना होगा यूनिट थर्ड में ही, वो है क्लास हमारी रेप्टीलिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और रेप्टीलिया को अगर हम हिंदी में जाने तो वो होते हैं सरीसर्प, सरीसर्प वर्ग। रेप्टीलिया का जो हिंदी अर्थ होता है वो है रेंगने वाले जंतु, ऐसे जंतु जो रेंगते हैं उन्हें ही हम रेप्टीलिया या फिर क्रीप भी कहते हैं। आइए इसकी जनरल कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो यह प्रथम स्थलीय जंतु है, इसका अर्थ है कि यह सबसे पहले स्थल यानी कि भूमि पर पाए जाने वाले जंतु है। इनकी जो त्वचा होती है वो खुरदरी शुष्क होती है, यानी कि रूखी होती है त्वचा बाह्य रूप से। नंबर थर की बात करते हैं, इनके शरीर के जो बाहर होते हैं यानी कि चारों ओर श्रृंगित शंखलों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। यह असमतापी जंतु होते हैं। असमतापी जंतु, इससे पहले भी मैंने बताया था वीडियो में कि वे जंतु जिनके शरीर का तापमान बदलता रहता है उन्हें असमतापी जंतु कहते हैं, और जिनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है उन्हें समतापी जंतु कहते हैं। ये जंतु कोल्ड ब्लडेड होते हैं। प्रत्येक पाद पर यानी कि जो पैर होते हैं पर पांच उंगलियां होती हैं, जिन पर तेज नुकीले नखर यानी कि नखून पाए जाते हैं। इनके जो इनमें चार पाद पाए जाते हैं, यानी कि चार पाद पाए जाते हैं और प्रत्येक पाद पर पांच पांच उंगलियां पाई जाती हैं। शरीर जो होता है वो चार भागों से बटा होता है, सिर गर्दन धड़ व पूंछ से बटी होती है। इनमें जो श्वसन होता है यानी कि रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स द्वारा ही होता है। हृदय तीन कोष्ठी होते हैं। उसी प्रकार इनमें अंडे बड़े वे पीतक युक्त होते हैं। मादा जल से बाहर मिट्टी में अंडे देती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें बाह्य रूप से। कछुआ जो होता है वो शत्रु से बचने के लिए सिर गिरवा व अपने पूरे शरीर को पाव को पूछ या फिर कैरापस यानी कि कैरापस में अंदर कर लेता है। ये देख लेंगे हम। कछुआ यह जलीय वनस्पति को खाता है, ये एक रेप्टाइल्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। टर्टल, लिजार्ड और स्नेक, ये सभी रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जनरल करेक्टर ये समझ में आगे होंगे रेप्टाइल्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।